नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनू वैद आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम संविधान वाले टॉपिक, जो आपके शासन एवं लोकतंत्र वाले की आधारशिला वाले जो टॉपिक है, उन सबको मैं क्लियर करवा रही हूँ। पिछले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 पे डिस्कस किया था, उसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, सेकंड जो आपका चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इन तीनों में से हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है आपका मौलिक अधिकार। देखो, बात आती है मौलिक अधिकार के बारे में। न्यायाधीश सप्रू ने कहा कि मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा जिसका उद्देश्य है वही मूल अधिकार है। ये किसने कहा? न्यायाधीश सप्रू ने ये बात कही कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा जिसका उद्देश्य है वही मौलिक अधिकार है। अब बात आती है ये मौलिक अधिकार आए कहाँ से? तो बच्चों, मौलिक अधिकारों का जनक देश इंग्लैंड कहलाता है, जहाँ का मैग्ना कार्टा 1215 में मैग्ना कार्टा आया और इस मैग्ना कार्टा में पहली बार मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया था। बाकी मौलिक अधिकार के बारे में जो सबसे पहले आया वो 1215 के मैग्ना कार्टा अधिनियम से आया था। उसके बाद देखो बच्चों, अब बात आती है कि आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यकता थी कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया। और मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा। अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान ने इसलिए दी है ताकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से संबंधित सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। क्योंकि अगर कहीं पर भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है शासन की स्वेच्छाचारिता पर। आप सब जानते हैं कि अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ऐसा कोई भी कानून बना देती है, व्यवस्थापिका ऐसा कोई भी कानून बना देती है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इनकी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को रोक सकता है। तो इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं, न्यायिक सुरक्षा देते हैं। मान लो हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मिला हुआ है, तो न्यायिक तरफ से हम हर व्यक्ति, हर समाज का हर व्यक्ति क्या है? समान है, स्वतंत्र है। तो अगर उनकी समानता और स्वतंत्रता के बीच अगर कोई रुकावट आती है तो क्या प्राप्त है? न्यायिक सुरक्षा। और मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लोकतंत्र का आधार स्तंभ, देखो बच्चों, लोकतंत्र मैन ही ये कहता है जहां स्वतंत्रता मिले, जहां समानता मिले, जहां न्याय मिले, ये तीनों चीज हमारी प्रस्तावना में भी है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अगर जहां पर ये तीनों चीजें मिले तो इसका मतलब है वो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, समानता के कारण। आप सबको पता है
मौलिक अधिकार में सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है, सभी विशेषाधिकारों को हटा दिया जाता है, उपाधियों का अंत कर दिया जाता है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, जन्म लिंग जाति नस्ल के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए, न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में और समानता के कारक के रूप में किसको समानता स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है बच्चों मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा हमने ली बच्चों यूएसए के संविधान से ली, किससे ली, यूएसए के संविधान से ली। और मौलिक जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 23 अनुच्छेद है इसमें। कितने अनुच्छेद है, 23 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों का। इसके अलावा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है बच्चों। और आपका सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 सबसे बड़ा है जिसमें कितने शब्दों का, 450 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन सा अनुच्छेद, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमने यूएसए के संविधान से ली है। मौलिक अधिकार में कुल 23 अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर बहुत ही विस्तृत है और 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया हुआ है। 19वां अनुच्छेद सबसे बड़ा है जिसमें 450 शब्दों का यूज किया गया है। और सुब्बा राम ने कहा है कि भारत के जो मौलिक अधिकार है, भारत के मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है, प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। क्या कहा है सुब्बा राम ने कि भारत के जो मौलिक अधिकार है वो किसके, प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम माने जाते हैं। भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमने प्रेरणा यूएसए के संविधान से ली है। इस मौलिक अधिकार 23 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। 19वां जो अनुच्छेद है वो सबसे बड़ा है जिसमें 450 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुब्बा राम ने मौलिक अधिकारों के बारे में कहा है कि भारत के मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। अब बात आती है बच्चों कि जो मूल संविधान है आपका क्या है, मूल संविधान, इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वां संशोधन हुआ 1978 में हुआ और 79 में पारित हुआ। इस 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को बच्चों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया गया बच्चों, हटा दिया गया। और इस मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी धारा 300A में जोड़ दिया गया और संपत्ति के अधिकार को वैधानिक कानून बना दिया गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को 300A में जोड़ दिया गया और वर्तमान में आपके जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं बच्चों, 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मौलिक अधिकार इंग्लैंड को जनक माना जाता है, 1215 के मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकारों का उदय हुआ है, तो मौलिक अधिकारों का जनक देश इंग्लैंड को माना जाता है। मौलिक अधिकारों की जरूरत इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगनी चाहिए, न्यायिक सुरक्षा अगर चाहिए, लोकतंत्र का
आधार स्तंभ के रूप में मौलिक अधिकारों की महत्ता है और समानता का एक महत्वपूर्ण कारक है कि हमारे देश में ऐसा समाज स्थापित किया जाए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो सके, तो इसके लिए मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में न्यायाधीश सप्रू ने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा जिसका उद्देश्य है वही मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रेरणा हमने यूएसए के संविधान से लिया और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है किसका उल्लेख मिलता है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों में वो है अनुच्छेद 19, जिसमें 450 शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसीलिए सुब्बा राव ने मौलिक अधिकारों के बारे में कहा कि भारत के मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का ही दूसरा नाम है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या की 7। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो कि 1979 में लागू हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी धारा 300A में जोड़ दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार है उसको वैधानिक कानून बना दिया गया और वर्तमान में मौलिक जो अधिकार है बच्चों वो है 6। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिनका उल्लेख किया गया है। अब मौलिक अधिकार जो है वो 6 है, उसमें सबसे पहला आता है आपको बच्चों समानता का अधिकार। कौन सा आता है? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है बच्चों वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा जो अधिकार है बच्चों वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो अधिकार है बच्चों वो है संस्कृत शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में बताए गए हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। पहला जो अधिकार है आपका बच्चों वो है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार का। नेक्स्ट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 25 से लेकर 28 तक मिलता है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में मिलता है। और आपका सबसे एंड वाला जो अधिकार है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 32 में। तो आपने 6 मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद देखे, समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 19 से 22। तो इन अधिकारों के बारे में देखा। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इन अधिकारों की डिटेल्स पढ़ेंगे कि समानता के अधिकार में क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है। इन 6 अधिकारों की डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24,
धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 और संवैधानिक अधिकारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। तो आप चाहते हैं कि मौलिक अधिकारों को मैं पढ़ाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।